कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, क्या किया था? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए दोनों वेव्स का? सेम। और एम्पलीट्यूड सेम होने के लिए हमें सोर्स क्या लेने पड़ेंगे? कोहेरेंट। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए, यानी कि सेम दो सोर्सेज से लाइट जो निकलेगी सेम फ्रिक्वेंसी से, सेम फेज, कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस से निकलनी चाहिए। सेकेंड है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फ्रॉम टू सोर्सेज शुड बी परफेक्टली इक्वल। एम्पलीट्यूड इक्वल होगा तभी तो रिजल्टेंट डेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा। टू सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक। और लास्ट है, टू सोर्सेज शुड बी पॉइंट सोर्सेज। ये पॉइंट सोर्स है, बड़े बड़े बल्ब या ट्यूब मत लगाना, पॉइंट सोर्स के साथ काम चलेगा।